नमस्कार जी। आज मैं इतनी सारी चीज़ों से कुछ DIY करती हूँ। इसको मेरे साथ, मेरे पास ये जो है ये सारा वेस्ट मटेरियल था, और इस पे मैं कुछ अपनी कलाकारी दिखाती हूँ। देखो, आर्ट तो आर्ट होता है, उसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। मेरे हिसाब से आर्ट के फ़ायदे ही हैं, नुकसान शायद कुछ नहीं है मेरी नज़र से अगर देखा जाए। हो सकता है हो भी, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं क्या कह रही थी कि आर्ट के अपने फ़ायदे होते हैं। क्या? एक तो कबाड़ का यूज़ हो जाता है, सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो इस पे टाइम लगता है ना, वो टाइम भी वैल्यूएबल हो जाता है। खासकर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें अपने बच्चों से बनवानी चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है, एक तो उनकी क्रिएटिविटी शार्प होती है, दूसरी ओर जो इस पे जो टाइम लगता है ना, उस टाइम का सही यूज़ हो जाता है। जो फ्री टाइम में वो गेम का मतलब मेरा आउटडोर गेम नहीं, बल्कि जो फ़ोन में वो गेम खेलते हैं, टीवी में जो टाइम लगाते हैं, वो नहीं होगा। आज के पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे वो अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। तो मेरे हिसाब से ये सही तरीका है बच्चों को फ़ोन से दूर रखने का। ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा देर नहीं, तो कुछ देर तो वो क्रिएटिविटी में लगाएंगे, और जब उन्होंने थोड़ा सा भी टाइम लगाया है तो वही थोड़ा सा ही टाइम जो है वो सही यूज़ हो जाएगा। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों में आर्ट का हर बच्चे को शौक़ होता है। ज़रूरी नहीं कि DIY करना या कुछ डेकोरेट करना ही आर्ट होता है। डांस भी एक कला है, सिंगिंग भी एक कला है, कुकिंग भी एक कला है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ आर्ट का गुण हमेशा रहता ही है। उनका जो आर्ट का कीड़ा है ना, वो हमेशा दौड़ता रहता है। लेकिन हम उनको मार जब देते हैं, जब हम ये कहते हैं कि इन फालतू चीज़ों में टाइम मत लगाओ, पढ़ाई करो बैठ के, तो उस टाइम पे जब बार बार वही सेंटेंस हम रिपीट करते जाते हैं, तो बच्चों के अंदर वो कीड़ा मर जाता है। किसी को प्लेइंग का, खेलने का भी हो सकता है, किसी को राइटिंग का भी हो सकता है। और राइटिंग का होता है तो हम कहते हैं कि ये फालतू की चीज़ें मत लिखो और अपना पढ़ाई का काम करो। तो इससे जो है उनको वो कीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। मरता तो नहीं है, कमज़ोर होता है, वो कभी ना कभी फिर उभरता है। तो मैं तो एक पेरेंट्स होने के नाते यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर जो स्किल हैं, जो पैशन है उनका, उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए। और देखो, इसी तरह बातों ही बातों में मैंने अपना जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले तो मैंने इस पर ब्लैक का जो है नीचे ब्लैक कलर से इसको पेंट कर दिया। फिर ये मैं जो अभी बना रही हूँ, ये डॉट मंडाला आर्ट है, इसको डॉट मंडाला आर्ट बोलते हैं। ये सबसे पुराना आर्ट है। मैंने इसके विषय में पहले भी बताया है कि मंडाला आर्ट जो है वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सबसे पहले चर्चित हुआ था या प्रकाश में आया था। बौद्ध भिक्षु अक्सर मंडाला आर्ट से आर्ट का कुछ ना कुछ बनाते थे, और वो जो है अनुष्ठान होने के बाद उसको मिटा देते थे। इससे वो यही संदेश देते थे कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो उस चीज़ को हमेशा हमें अपने माइंड के अंदर भी रखना चाहिए कि प्रकृति हमें देती है और वापस ले भी लेती है, क्षण भंगुर होता है सब कुछ। तो ये मैं वही डॉट मंडाला आर्ट ही करती हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें डॉट के जरिए हम आर्ट बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसका एक अलग ही महत्व है मंडाला आर्ट का। और ये जो डॉट मंडाला आर्ट है, ये हमारे ब्रह्मांड को भी दर्शाता है कि जिस तरह से ब्रह्मांड में छोटे बड़े पिंड होते हैं और सब कुछ अपने अंदर ब्रह्मांड समाहित कर लेता है, उसी तरह डॉट मंडाला आर्ट भी हमें ये संदेश देता है कि छोटे बड़े डॉट से एक सुंदर आकृति बन जाती है। तो मैं वही डॉट मंडाला आर्ट का मैं यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं बड़ा डॉट लगा के फिर उसके चारों राउंड राउंड में छोटे छोटे डॉट,
आप कुछ भी बना सकते हो, इसमें कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं होती। आपको जो अच्छा लगे, जो कलर आपको अच्छा लगे वो उस कलर का यूज़ कर सकते हो। जो डॉट आपको जहाँ पे जो सुटेबल लगे उस डॉट से आप कोई भी आकृति बना सकते हो। तो मेरा तो मेन मकसद यहाँ पे डॉट मंडाला आर्ट दिखाना नहीं है, मेरा मेन मकसद यहाँ पे इसको सजावट करना है, इसको डेकोरेट करके और अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखना है ताकि ये सुंदर दिखे। और मैं इतनी माहिर भी नहीं हूँ डॉट मंडाला आर्ट में, बस शौक रखती हूँ आर्ट का, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बना भी लेती हूँ। और आर्ट का इतना ज़्यादा शौक है, या उसको कहे कि कीड़ा है मेरे अंदर जो अभी फिर से बढ़ चुका है, तो उस कीड़े को थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ। और एक ये बहाना भी है अब तो मेरे पास कि यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, कुछ आर्ट का कुछ बनाना है, और तो फिर एक नई उत्साह के साथ फिर से शुरू हो जाती हूँ, कुछ आज क्या बनाऊँ, कुछ आज क्या बनाऊँ। तो इस तरीके से ये मेरा जो आर्ट का कीड़ा है ये फिर से जाग जाता है। तो धीरे धीरे से इसमें पेंटिंग करनी होती है डॉट के जरिए, और इसमें सिर्फ मैं डॉट का यूज़ नहीं करूँगी, इसमें मैं मिरर का भी यूज़, इसमें उसको लिपन आर्ट बोलते हैं। लिपन आर्ट में क्या होता है कि आप मिरर, जिसको हम बोलते हैं मिरर और मड आर्ट, लिपन आर्ट को मिरर और मड आर्ट भी बोला जाता है, मतलब मिट्टी से और मिरर से बनता है। ये गुजरात से है ये आर्ट, मड एंड मिरर। तो वहाँ के लोग भी इसको अपनी दीवारों पर बनाते थे, लेकिन उनका मकसद दीवारों को ठंडा रखना होता था और हमारा मकसद डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे मैं मिरर का भी यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा मकसद अब सुंदर दिखाना है। तो इस तरह से मैं जो एक लीफ के आकार में जो है, एक पत्ते के आकार में मेरे पास मिरर है, तो उनको आपस में एक फूल की शेप दूंगी मैं इकट्ठा करके लगा के। तो इस तरह से सारों को पास पास चिपका के, तो इस तरह से मेरा ये एक बड़ा फ्लावर तैयार हो जाएगा यहाँ पे। खासकर जैसे त्योहार के ओकेजन आते हैं तो उन पे तो हमें बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ करने के लिए देना चाहिए, ताकि त्योहारों पे तो छुट्टियां भी हो जाती हैं, बच्चों के पास करने को कुछ काम होता नहीं है, और परेशान भी करते हैं, घर पे रहते हैं तो परेशान भी करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं वो दे देनी चाहिए बच्चों को कि इनको करो बैठ के। तो एक तो उनका मन भी बड़ा लगता है, अगर ऐसी चीज़ें हम देते हैं बच्चों को तो खुशी खुशी होकर करते हैं, क्योंकि पढ़ाई से उनको छुटकारा जो मिलता है, पढ़ाई से छुटकारा मिलता है और ऐसी चीज़ें करके वो खुश भी होते हैं, दिल से करते हैं। अब जब मैं ये कर रही थी तो मेरे पास मेरा बेटा बैठ के वो भी पेंट कर रहा था, उसको मैं दिखा नहीं रही, लेकिन उसने अपने मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग डॉट लगा के अलग अलग कलर से मैं इस पूरे को कवर कर दूंगी। कलर भी मैंने अलग अलग लिए हैं, डॉट का आकार भी मैंने अलग अलग लिया है साइज, और फिर इन डॉट को भी मैं अलग कलर से, छोटे डॉट से डेकोरेट करूंगी। यहाँ पे भी
पहले के टाइम पे जब हमारी दादी नानी इस तरह के काम करती थी ना, तो हम उन्हें देखते तो मन करता था। लेकिन आज के पेरेंट्स जो है वो फ्री टाइम में फ़ोन लेके ही बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे भी फिर फ़ोन की तरफ ही भागते हैं। तो ऐसे काम हमें भी करने चाहिए ताकि बच्चे भी इसी तरह की आदत उनको लगे। फिर मैंने ये तो दूसरा मैंने मेरा सर्कल ये था कौन, इस पे भी मैंने जो है वो इसी तरह की तैयार की है। उसके बाद मैं इसका नीचे का बेस बनाती हूँ। तो मेरे पास ये स्टिक थी, आइसक्रीम स्टिक, तो आइसक्रीम स्टिक से मैं इसका बेस बनाती हूँ। आप मेरे हाथों की तरफ मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफी कलर लग चुका है हाथों पे। इस तरह से फिर मैं इनको यहाँ पे सेट करती हूँ। ग्लू गन के जरिए मैं इसको चिपका देती हूँ और ये मेरा फाइनल लुक। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय।